मैसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास सेवन साइंस। आज हम करेंगे रिवीजन सेकंड चैप्टर का। आपको पता है आपके एग्जाम नवंबर में ही होने वाले हैं, तो प्रिपेयर इट वेल। आज से शॉर्ट कुछ समराइज करते हैं इस चैप्टर को, राइट। न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में न्यूट्रिशन। पहले न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? बेटर ग्रोथ, हेल्दी बॉडी एंड बेटर फाइंडिंग एनर्जी, कुछ अच्छी एनर्जी की वैल्यू के लिए। ओके, चलिए न्यूट्रिशन है क्या? एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, किस टाइप से फूड लिया जाता है और बॉडी इसको कैसे यूटिलाइज कर देती है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, राइट। चलिए अब इसमें डाइजेशन, डाइजेशन क्या है? जिसमें ब्रेक डाउन होते हैं फूड, फूड के कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े कंपोनेंट छोटे छोटे पार्ट में, सिंपलर सबस्टांस में चेंज हो रहे हैं, दिस कॉल्ड डाइजेशन, ताकि बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सके। चलिए सबसे पहले लेते हैं फूड किस टाइप से लिया जाता है, इसका टाइप बहुत सारे, जैसे कि आपको इसमें दिया है ना, स्टारफिश कैसे लेती है, एनिमल्स कवर्ड हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसको खाते हैं? जिस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर फीड रहते हैं उन एनिमल्स को लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में कैसे हो रहा है डाइजेशन, किस टाइप से लिया जा रहा है? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम। सबसे पहले फूड लिया जाता है बाय द माउथ, बक्कल कैविटी, माउथ के अंदर की जो कैविटी, यहाँ पर टीथ पाए जाते हैं, दिस इज बक्कल कैविटी, माउथ की तरफ फूड लिया जाता है बक्कल कैविटी, यहाँ से होते हुए यहाँ पर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। यस, पढ़ा है ना हमने, सबसे पहले माउथ के फूड को अंदर लेना, दिस इज इंजेशन, इंजेशन के थ्रू लिया गया मुँह के अंदर। वहाँ पर टीथ की कितनी होती कैटेगरी? फोर स्टार्टिंग के कैनाइन, दो साइड, सॉरी स्टार्टिंग के इंसीजर, साइड के दोनों साइड के कैनाइन, कैनाइन के आगे दो दो पेयर दोनों साइड प्रीमोलर्स एंड थ्री थ्री पेयर दे आर कॉल्ड मोलर्स। इनके थ्रू फूड को च्यू किया जाता है और इसमें मिलाई जाती है क्या चीज़? सलाइवरी ग्लैंड से, क्या चीज़? सलाइवरी ग्लैंड से मिलाई जाती है सलाइवा। हमारे माउथ के अंदर पता है स्टिकी मटेरियल नहीं होता, चिपचिपा सा पता, जो फूड के साथ मिलकर फूड को स्टिकी बना देता है, ये चिपचिपा बनाता है, दिस इज अ, ये करता है क्या, ये सलाइवा ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, किसमें? शुगर में, सिंपल शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है भाई। उसके बाद फूड कहाँ से आ गया? फिर ओएसोफेगस में आ जाता है। यहाँ पर फूड एक लंप, एक ढेर लंप के रूप में धीरे धीरे खिसकता है, कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ फूड को माउथ से लेकर स्टमक तक पहुँचाता है। ओके, एक मस्कुलर ऑर्गन है। चलिए भाई नेक्स्ट, स्टमक में आने के बाद फूड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यस, क्या होता है? थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है? इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग से निकलता है म्यूकस, तीन टाइप के सिक्रीशन पाए जाते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करता है? स्टमक, पेट में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हमारी सोचो, हमारी बॉडी में कोई एसिड गिर जाता है तो कितनी दर्द होता है, स्पॉइल हो जाती है स्किन, उससे बचाने के लिए एक म्यूकस, जिस म्यूकस निकलता है जो कि स्टमक की वॉल को एससीएल के इफेक्ट से बचाता है, एसिड निकलता है बैक्टीरिया को मारता है और साथ के साथ मीडियम को एसिडिक बनाते रहता है ताकि आसानी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर वर्क कर सके। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को सिंपल सबस्टांस में चेंज कर देता है। चलिए अब फूड कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में यू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज अ यू लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं ड्यूडिनम। देखिए इस टाइप का ना यू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहते हैं ड्यूडिनम। इसमें दो डक्ट आगे खुलती हैं, एक तो लीवर से लीवर डक्ट और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट खुलती है, इसमें दो टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, दिस इज अ बाइल जूस, गॉल ब्लैडर से निकलता है जो कि फैट को तोड़ता है, पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि जो कि कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। यस, बाकी जो सारे के डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्बोहाइड्रेट जो है सबके सब कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, फुली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल सबस्टांस में चेंज हो जाते हैं, और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में टूट जाता है, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय द विल्लाई, एक इस टाइप से इसकी वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड विल्लाई, जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन होकर फिर वो ब्लड में न्यूट्रिशन पॉर कर दिए जाते हैं और बॉडी की हर बॉडी तक, वो बॉडी के हर पार्ट तक या हर सेल तक पहुँचा दिए
जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सिंपल वर्क है, लगभग एक एडल्ट पर्सन में 1.5 मीटर तक की लेंथ में पाई जाती है। ये सिर्फ क्या करते हैं, फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे जितना वाटर, एक्सेस वाटर और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है, बाकी का बचा हुआ वेस्ट जो है वो रेक्टम के थ्रू पास होकर लास्ट में फीकल मैटर कहाँ से, एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। बस आज के लिए बच्चों इतना ही, अच्छे से याद करना इसे, नेक्स्ट पॉइंट बाद में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।